इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, दैट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस. कॉम्बिनेशन में द रेसिस्टेंसेस कैन बी कंबाइन इन टू वेज. दो प्रकार से आप रेसिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं आपका नाम, एक तो आपका सीरीज में और दूसरा पैरेलल. आज मैं सिर्फ सीरीज को ले रहा हूं, तो सीरीज के लिए देखो, व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू इट कंसेक्यूटिवली आर कॉल्ड कनेक्टेड इन सीरीज. इधर देखिएगा, पेन छोड़ दीजिए प्लीज. क्या देख when two or more resistances are connected end to end, consecutively are called connected, connected in series. ये देखो, ये resistance R1, ये R2 और ये R3 है, इसके अकॉर्डिंग. The combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of the individual resistances. इसका मतलब जो ये कह रहा है कि अगर total आपका resistance R है resultant, तो ये आपका R1 plus R2 plus R3 आना चाहिए. ये देखिए, ये जो इसकी लैंग्वेज है, the combined, this is the combined. ये इधर देखिए, please. The combined resistance of any number of resistance, R1, R2, R3, R4, जितने भी आप रखे सीरीज में रखने आपने, उनका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो या कंबाइन होगा या रिजल्टेंट होगा वो R1 plus R2 plus R3. मैंने यहाँ पे तीन ही रेसिस्टेंस लिए, इसलिए R1 plus R2 plus R3. अब देखिए इधर, when the number of resistances are in series, जब number of resistances of series में होंगी, तो sum of its potential difference across all the resistances is equal to the voltage of, यानी कि इसका क्या लिखा था, voltage is equal to V is equal to V1 plus V2 plus V3 होना चाहिए. इधर देखिएगा सर प्लीज, इसका मतलब रेसिस्टेंस R1 के लिए V1 होगा, इसके लिए V2 होगा, इसके लिए V3 होगा. अब देखिए यहां मैं इसको बैटरी से कनेक्टेड कर देता हूं, ये देखो, ये प्लस और ये माइनस. आप चाहे ज्यादा से ज्यादा यहां पे की भी लगा सकते हैं आप, ठीक है. अगर दिस इज अ बैटरी, यहां देखिएगा सर, ये बैटरी अगर V वोल्ट की सप्लाई कर रही है, V वोल्ट, तो देखो V वोल्ट और I एम्पीयर का इलेक्ट्रिक करंट देगी, तो देखो I एम्पीयर, देखो I एम्पीयर, देखो I एम्पीयर, ये देखो I एम्पीयर, देखिए I एम्पीयर और I एम्पीयर, और ये वापस जाएगा, ये प्लस और ये माइनस है बैटरी के साथ. मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, व्हेन अ नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर इन सीरीज, देखो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 का, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक करंट आपका सेम है, सेम करंट फ्लोस देन थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टेंस के लिए अलग हो जाएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? इसका मतलब ये तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा वो आपका ये V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, और ये आपका V इस पर होगा बैटरी जो की बैटरी आपका V वोल्ट की सप्लाई दे रही है, यानी कि I एम्पीयर का करंट. For first resistance, यानी कि first resistance R1 के लिए by Ohm's law. Ohm's law V is equal to RI होता है. देखो Ohm's law क्या था? V is equal to RI था. तो देखो यहाँ देखिए, तो first के लिए देखो first रे V1 is equal to देखो I R1 resistance. I एम्पीयर के लिए, क्योंकि करंट सब पे सेम होगा. देखिए इसके बाद सी फॉर सेकेंड रेसिस्टेंस, जरा ध्यान से इधर R2 के लिए देखो, फिर वही बाय ओम्स लॉ लगेगा, बाय ओम्स लॉ. एक बार में मैंने ऊपर लिख दिया, फिर मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो, और ओम्स लॉ आपका, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट flows through a conductor is directly proportional to its potential difference across the ends. Ohm's law था सर, याद होगा आपको. तो देखो V2 इसके लिए V2 is equal to I R2 second के लिए इस तरह. उसके बाद D for third resistance आपका देखो R3 के लिए भी आपका Ohm's law
9 ही यूज करेंगे, तो ये V3 कभी इसके लिए जो बैटरी वी बोर्ड की बैटरी आपका सप्लाई करेगी पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए V1 होगा, इसके लिए V2 होगा, इसके लिए V3 होगा, मींस ऑल रेजिस्टेंस हैज अ सेपरेट और द डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस बट द इलेक्ट्रिक करंट विल बी द सेम, तो V3 इज इक्वल टू IR. बट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नाउ सप्लाई बाय बैटरी क्या हो जाएगा सर, वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3 वी इज इक्वल टू V1 की वैल्यू देखिए आपका क्या है IR1 देखो प्लस IR2 ये देखो और प्लस IR3 यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम आप मैथ वाले हो I1 2 और देखो 3 आपका तीनों क्वेश्चन से आपने V1 V2 V3 की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो V कैसे बढ़ गया I कॉमन ले लीजिए I कॉमन ले लीजिएगा R1 प्लस R2 और प्लस R3 आपका देखो कैसे फिर है और V इस बार आपका क्या होता है IR होता है आपका देखो R I R कैसे बढ़ I सॉरी स्मॉल होता है ऐसा मत कर दीजिएगा तो I आपका R1 प्लस R2 और प्लस R3 आपका देखो आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये I इसके नीचे आ जाएगा और I से I कैंसिल हो जाएगा R R का मतलब टोटल या आपका जो आप कहते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कई इसको R S भी लिखते हैं टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज R S कैसे बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3 this is the formula now for the combination of resistances which you are